ये विश्वास की कथा है शिव पुराण। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा शंकर विश्वास रूपिणो, शिवजी विश्वास, विश्वास की कथा है। कई लोग कहेंगे ये तो शिवलिंग है, कई लोगों ने इसका मतलब गलत निकाल लिया, इसका किसी को पूजन नहीं करना चाहिए। यहां तक लोगों ने कह दिया था पुराने समय में, इतना भ्रम पैदा कर दिया था लोगों ने। धीरे धीरे लोग समझे शंकर है क्या, लोगों को समझ में आया कि जल चढ़ाने से होता क्या। कई लोगों को यही नहीं मालूम था कि शंकर जी की बेटी का स्थान कौन सा है अशोक सुंदरी। कई लोगों को यही नहीं मालूम था कि शंकर जी का जो ऊपर पानी बूंद बूंद टपकाता है वो कौन है। मालूम पड़ा कि यह जया विषहरा सामली बारी दो तली देव शिव की बेटी है। सबको मालूम पड़ा कि शंकर जी के ही उस जलाधारी में पार्वती है, उसी जलाधारी में गणेश और कार्तिक है, उसी जलाधारी में सुख सुंदरी है। ज्ञाति नहीं था हमको क्या होता है धतूरा चढ़ाने से, कौन था धतूरा, कौन था आख, कौन था शमी, कौन थी ये शमी का पत्ता, कौन पुष्प है, क्यों मंदार। क्यों कनेर, ये क्या क्या मतलब है एक एक कथा। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बताओ कि इतने सारे भक्त लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, एक ही कथा है, ये बार बार क्यों आते हैं। हम उनसे कहते हैं कथा एक नहीं है, हर कथा में मेरा महादेव कुछ नया देने का प्रयास करता है और संसार के लोग उसको लेने का प्रयास करते हैं। कोटेश्वर में 5 दिन शिव पुराण की कथा सुनी, लोगों ने एक एक फूल का महत्व जाना, एक एक पत्ती का महत्व जाना, एक एक पुष्प की महत्वता जानी कि आखिर है कौन, क्यों चढ़ता है, किस लिए चढ़ता है, किस लिए प्राप्त होता है। आज विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव पुराण की कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि हर सिद्धि मैया क्यों जा रही थी उज्जैन से, क्यों रोका विक्रमादित्य ने, क्यों भर्तरी अपनी मां की गोद में बैठकर रोए, क्यों भर्तरी की बहन ने भर्तरी को ज्ञान दिया। ये सारे संवाद हमारी जिंदगी को सवारने के हैं, सवारना।